दोस्तों स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में और बी एस इंटीग्रेटेड के इस चैनल के अंतर्गत और लास्ट लेक्चर में अपने दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत तीन क्वेश्चन कंप्लीट किए और आज जो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपने बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत कर रहे हैं तो बड़े क्वेश्चनों में तीन क्वेश्चन अपने कर चुके हैं और आज अपने उसी श्रृंखला में एक बड़ा क्वेश्चन और करेंगे आज जो आपके एग्ज़ाम में बड़े तौर पे बन सकता है और उस क्वेश्चन का मैंने जिक्र कल के वीडियो में किया था आपके साथ में तो उसी क्वेश्चन को आज लेंगे और उस क्वेश्चन को मैथमेटिकली रूप से अच्छे तरीके से करने वाले हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सके तो चलते हैं प्यारे दोस्तों आज के उस लेक्चर में उससे पहले आपसे एक अनुरोध है मेरा कि आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि तो इसी तरह के वीडियोस मैं इसी पे डालने वाला हूँ और कंप्लीट जितना मेरे से हो सकेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो बात करते हैं बीएससी बीएड की जो 2020 है यूनिट फर्स्ट की पेपर फर्स्ट की अपने बात कर रहे हैं और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपने कर रहे हैं आज का क्वेश्चन जो रहेगा वो किसी किसी कण के द्रव्यमान किसी कण के द्रव्यमान में वेग के सापेक्ष परिवर्तन के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए सूत्र की वित्तपत्ति कीजिए तो बात कर लेते हैं अपने उसी मुहिम के अंतर्गत तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ अपने को द्रव्यमान किसी गण का द्रव्यमान के सापेक्ष द्रव्यमान के सापेक्ष परिवर्तन सापेक्ष द्रव्यमान में वेग के सापेक्ष परिवर्तन के लिए सूत्र की करनी है। और इसका प्रायोगिक इसके, इसके, इसके प्रयोग के बारे में अपने देखेंगे तो इसके प्रयोग इसके प्रयोग का उल्लेख कीजिए तो आज का जो क्वेश्चन अपना रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा चलते हैं आंसर की ओर सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव्यमान की अपेक्षिकता द्रव्यमान की अपेक्षिकता तो द्रव्यमान की अपेक्षिकता के अंतर्गत अपेक्षिकीय अपेक्षिकीय यांत्रिकी में पिंड के नियम पिंड के नियत नियत द्रव्यमान की अवधारणा मान्य नहीं है वास्तव में वास्तव में पिंड का द्रव्यमान पिंड के वेग का फलन होता है यह वेग के वेग के बढ़ने पर निम्न प्रकार होगा जो m इक्वल्स टू एम जीरो बटे में वन माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्वेयर जहा एम जीरो बराबर पिंड का विराम द्रव्यमान है सी प्रकाश का वेग है तथा v पिंड का वेग है वेग वेग है जो वेग के साथ जो द्रव्यमान होगा वेग के साथ द्रव्यमान की यह वृद्धि यह वृद्धि विभिन्न विभिन्न प्रयोगों विभिन्न प्रयोगों में तथा ण तवर्कों के प्रचालन में भी में भी सत्यापित होती है ठीक है यह अपने पात्र द्रमान की अपेक्षिकता की बात कर रहे थे अभी इसके सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे देखते हैं सूत्र की सूत्र की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है सबसे पहले एक निर्देश फ्रेम ले लेते हैं इस प्रकार से दो निर्देश फ्रेम अपने पास हैं ये एक्सडेस एक्स, एक्स एक्स ये वाई ये वाई, ये जेड और ये जेड डैश ये ओ ओ डैश ठीक है यहाँ पे दो कण दिए हुए हैं पहला ये कण हो गया दूसरा ये कण हो गया तीसरा अपने पास ये दिया हुआ है तो इसकी जो दिशा है वो इस प्रकार से है और इसकी जो दिशा है वो यहाँ पे पास पास में दो कण दिए हुए हैं देखिए सबसे ठीक है तो यहाँ पे पहला ये हो गया यहाँ पे पहला और दूसरा ये हो गया और यहाँ पे जो है इसका मान तो होगा U S और ये होगा माइनस U S यहाँ से और अब देखेंगे इस फ्रेम के का सबसे पहले देखें तो फ्रेम S की बात करें तो S से देखने पर S से देखने पर इन इन कणों के वेग भिन्न होंगे मानना ऐसे से देखने पर उनके क्रमशः यू, वे यू टू है अब उनका योग करेंगे जब वेगों का तो हमारे पास जो प्राप्त होगा यू वन इक्वल्स टू यूडेस प्लस वीन में वन प्लस यूडेस वी में दो ये हो जाएगा इस अपने फर्स्ट मान लेते हैं इसमें चलते हैं इसी में आगे की तरफ और यहाँ से समीकरण फर्स्ट अपने को प्राप्त हुई और आगे की इस सीरीज़ में हमारे पास तो यू टू का मान प्राप्त होगा और यू वन का मान था समीकरण दो नंबर प्राप्त होगी तो यू टू इज इक्वल्स टू माइनस यू डैस प्लस वी बटे में वन माइनस यू डैस वी बटे में सी स्क्वेयर ये होएगा तो संघट संघट के समय एस एस्टेस में दोनों कण नाभिक कण दोनों कण जो नाभिक कण है वो क्षणिक विरामावस्था विरामा में होते हैं लेकिन लेकिन फ्रेम एस से देखने पर इस क्षण भी वेग v से गति करते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि दोनों कणों का जो कुल संवेग होगा वो संरक्षित है क्योंकि दोनों कणों का वेग संरक्षित है अतः हम लिख सकते हैं कि एम वन और इसको देखिएगा अपने लिख सकते हैं एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर हो जाएगा एम वन प्लस एम टू इन वी <coughs> मान रखने पे आएगा एम वन और यू वन का मान जो दिया हुआ है वो दिया यू डेस प्लस, v 1 प्लस U वी बटे में वन प्लस यूडेस वी अपॉन में सी स्क्र होएगा प्लस एम टू हो गया और ब्रैकेट में आएगा अपने यू टू का मान यू टू का मान दिया माइनस यू वन प्लस वी और <laughs> बटे में आएगा वन माइनस यू डैस वी अपॉन सी स्क्वेयर बराबर में आएगा एम वन प्लस एम टू एन टू वी ये होएगा उसके बाद हल करने पे एम वन यूडेस माइनस यूडेस वी स्केयर बटे में सी स्केयर और वन प्लस वन प्लस यूडेस वी पॉन में सी स्केयर बराबर एम टू आएगा वो क्योंकि उसमें इस तरफ ले आएंगे अपने तो ये बराबर में अपने पास हो जाएगी और इसको हल करेंगे तो वन माइनस यूडेस वी अपॉन सी स्क्वेयर ये मान प्राप्त होगा उसी के बाद एम वन बटे एम टू करें तो पूरा कट कटा के वन प्लस यूडेस वी अपॉन सी स्क्वेयर और वन माइनस यूडेस वी अपॉन सी स्क्र प्राप्त होएगा ये अपने पास समीकरण नंबर तीन मिलेगी ये समीकरण थी अपने पास दो अभी बात करेंगे अभी अपने बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे अपने पास समीकरण तीन का मान मिला और अपने सबसे पहले जो समीकरण एक प्राप्त की थी तो समीकरण एक से सबसे पहले देख लेते हैं यू वन स्क्वेयर बराबर आता है डेस प्लस वी बटे में वन प्लस डेस वी पौने स्क्वेयर की होल स्क्वेयर आएगी अतः तो यू स्केर सी स्केर वन माइनस यू वन स्केयर सी स्क्यर बराबर वन माइनस वन पॉन में सी स्केयर हो जाएगा और यू यूडैस प्लस वी बटे में यू यूडेस प्लस वी बटे में वन प्लस यू यूडैस वी पॉन सी स्क्वेयर की होल पावर हो जाएगी हल करने पे हमारे को प्राप्त होएगा वन माइनस यू स्केयर पॉन सी स्क्केयर ये डैस आएगा और वन माइनस वी स्केयर बटे में सी स्केयर बटे में आएगा वन प्लस यूडेस वी अपन सी स्केयर की होल पावर आएगी ठीक है आगे चलते हैं इसी के अंतर्गत तो हल करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वन प्लस यूडेस वी अपॉन सी स्केयर और रूट ऑफ वन माइनस यूडैस स्क्यर अपॉन सी स्केयर और वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्क्र और बटे में एक लेंगे और माइनस यू स्वयर बटे में सी स्क्र ये होएगा यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी का तो आगे इसमें बनेगा वो वन माइनस डेस वी बटे में सी बराबर होगा रूट ऑफ तो पार्णां वन माइनस डेस स्क्र पॉन में सी स्क्र वन माइनस वी स्क्वेयर पॉन में सी स्क्र वन माइनस यू ट्यू स्केर फोन में सी स्केयर होएगा तो समीकरण तीन में मान रखने पर तो सीन तीन में जो मान रखेंगे वो आएगा एम वन बटे एम टू थी उसमें मान रखेंगे तो अपने पास वन माइनस यू टू स्केयर वन में सी स्केयर बटे दो बटे में एक माइनस ये बटे में आएगा इसके पूरे के बटे में वन माइनस यू वन स्क्वेयर और में सी स्क्र ठीक है और हल करने पे अपने पास ये समीकरण बन जाएगी तो यहाँ पे अपने यू टू का मान तो ज़ीरो लेंगे और एम टू का मान जो है वो एम ज़ीरो लेंगे तो समीकरण बनेगी एम वन बराबर एम जीरो बटे में रूट ऑफ वन माइनस यू वन स्क्वेयर पॉन में सी स्क्वेयर हो जाएगा फाइनल समीकरण अपने पास ये बनेंगे तो इससे अपने पता कर सकते हैं कि दोनों कण जो हैं वो पूर्णतः अभिन्न कण की श्रेणी में आते हैं तो दोनों कण अभिन्न श्रेणी कण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अपने सबसे पहले लिख देते हैं इसके अंतर्गत लाइन चूंकि दोनों कर्ण पूर्णतः अभिन्न है, अभिन है अतः भिन्न है तथा अतः दूसरे कण का विराम द्रव्यमान भी एम जीरो होगा तो उत्त उत, उत 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 जो समीकरण है हमें केवल एक है उक्त समीकरण को हमें केवल एक तथा इसी कण के ये प्रयुक्त मान कर सकते हैं तो एम वन को एम से व एम यू वन को वी से प्रतिस्थापित करने पर एम वन को एम व यू ओ को वी से प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास जो एम बनेगा वो एम जीरो बटे में रूट वन माइनस वी स्क्तर बटे में सी प्राप्त हो जाएगा यह वेग के सापेक्ष द्रव्यमान में परिवर्तन का अपेक्षित सूत्र प्राप्त हुआ यह वेग के सापेक्ष द्रव्यमान में परिवर्तन के लिए अपेक्षी की सूत्र है ठीक है और प्रायोगिक स्थापन में अपने लिख सकते हैं प्रायोगिक सत्यापन देखिएगा। सन 1909 में बुकरर बुकरर ने बुकर नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने रेडियो धर्मी रेडियोधर्मी नाभिकों से रेडियोधर्मी नाभिकों से उत्सर्जित तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के लिए अनुपात E बटे M का मान वेग के फलन के रूप में ज्ञात किया जा सकता है ठीक है तो ये अपने प्रायोगिक स्थापना है वो, इसी के अंतर्गत होएगा। तो आज ने फिजिक्स के एक बड़े क्वेश्चन में एक बड़े क्वेश्चन में आप ज्ञात किया कि वे किस द्रव्यमान परिवर्तन के लिए अपेक्षित सूत्र है वो प्रस्तुत जो बनेगा वो अपनों ने कंप्लीट किया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आज की इस क्लास में रहा नोट कर लीजिएगा पूरी क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन भी और इसको री, रीड भी कीजिएगा क्योंकि तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन और भी और जल्दी से जल्दी अपनी यूनिट को कंप्लीट करेंगे और सेकंड यूनिट में चलेंगे तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों धन्यवाद